एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम जो है जानते हैं लीनियर फंक्शनल्स एंड एडजॉइंट के बारे में। सो गाइज, मैं इस लेक्चर में जो है सिर्फ ये जो दो मैंने वर्ड आप लोगों के लिए बताया है, इन दोनों वर्ड्स के जो है मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊँगा, ठीक है। बिकॉज इसके जो स्टेटमेंट है या फिर इसके जो डेफिनेशन है, इनके थ्योरम, मतलब ये थ्योरम ही है तो जो है इसका प्रूफ भी है, तो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा वीडियो। इसी वजह से मैं जो है वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा, और कल एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें मैं ये जो स्टेटमेंट आज मैं बताऊंगा लीनियर फंक्शनल्स के बारे में, ठीक है, और एडजॉइंट का, तो इनके जो स्टेटमेंट है इनका प्रूफ मैं जो है कल के लेक्चर में बनाऊंगा। सो चलिए देखते हैं कि लीनियर फंक्शनल्स एंड एडजॉइंट जो है क्या होता है। सो देखिए, लीनियर फंक्शनल जो है क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर जो है हम इसका एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो लीनियर फंक्शनल आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में टोटल ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है ना, लीनियर फंक्शनल का, और ये जो स्टेटमेंट है इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसलिए इसको एक डेफिनेशन का नाम ना देते हुए हम इसको एक स्टेटमेंट कहेंगे जिसका एक प्रूफ भी होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक थ्योरम है हमारा, ठीक। तो इसका प्रूफ मैं कल के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। सो देखिए क्या है, लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड एफ अ लीनियर फंक्शनल ऑन वी, देन देयर एग्जिस्ट a unique vector beta in V such that linear functional alpha is equals to inner product alpha beta for every alpha belongs to V. अब गाइस देखिए यहां पर क्या बताया गया कि ये जो V है ना, V को क्या माना गया है, एक finite dimensional inner product space। आया समझ, V को एक finite dimensional inner product space माना गया है। So guys देखिए, finite dimensional क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो यहां पर जो है ये है हमारा फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना। क्योंकि ये जो टोटली चीजें हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं वो एक्चुअल में वेक्टर स्पेस का ही टॉपिक है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के अंदर से ही हमारा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बना है, और जैसे वेक्टर स्पेस के साथ जैसे जैसे प्रॉपर्टीज हमारे वहां पर होल्ड होते थे, तो यहाँ पर भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी हमारे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होल्ड होते हैं। तो जैसे वेक्टर स्पेस में हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, सिमिलरली फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस भी आप लोगों का इसमें बताया गया है, ठीक है। एंड एफ को क्या बताया गया, एफ अ लीनियर फंक्शनल ऑन वी, तो ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस वी है इसमें एफ आपका क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर बीटा इन वी, तो यहां पर जो है ये बताया गया कि कोई एक यूनिट वेक्टर बीटा जो है आपका किस में बिलोंग करता है, वी में अगर एग्जिस्ट करता है, कहने का मतलब बिलोंग करता है या फिर रहता है, तो सच दैट कि जो लीनियर फंक्शनल है अल्फा के लिए, है ना, अल्फा के लिए वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा के, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी। मतलब ये है कि अगर कोई भी एक यूनिक वेक्टर, देखिए यूनिकनेस को भी हम प्रूव करके बताएंगे कि ये वेक्टर यूनिक है, ये बीटा जो है ना, बीटा यूनिक है, अकेला है ये, समझ में, इसको भी प्रूफ करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बीटा अकेला कैसा है। तो एक अकेला वेक्टर के लिए, अगर एक अकेला वेक्टर जो है इस वी में बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो उस वेक्टर के साथ देखो, उस वेक्टर के साथ हर एक अल्फा के लिए जो है हमारा देखो क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस इसका जो है हमारा क्या होगा, लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। तो यहां पर बता रखा है ये डेफिनेशन, ठीक। सो गाइस, होप कि आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया है, कल और भी अच्छे से मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा और इसका प्रूफ भी बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट, मूव टुवर्ड्स द एडजॉइंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट, लेट्स सी। लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस भी, हमने यहां पर मान लिया है कि जो T है वो हमारा क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, है ना, ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो आपका फाइनाइट डायमेंशनल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक, तो वो भी पॉसिबल है, अगर नहीं है तो मतलब वो हमारा इनफाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा, तो वो भी आपका पॉसिबल है। जैसे यहां पर आपका क्या बताया गया था, लीनियर फंक्शनल में ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए था, है ना, भी जो आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होना, इनर प्रोडक्ट स्पेस होना चाहिए था,
बट एडजॉइंट के केस में आपका फाइनाइट डायमेंशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. वी से दैट टी हैज एन एडजॉइंट टी स्टैरिक, ठीक है ना. तो जो भी हमारे ये लीनियर ऑपरेटर हमने टी लिया है, इस लीनियर ऑपरेटर का हम ये बताएंगे कि इसका जो है क्या है, एक एडजॉइंट अगर हमारे पास टी स्टैरिक हुआ तो उस कंडीशन में इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ऑपरेटर टी स्टैरिक ऑन वी सच दैट. देखिए तो इसका जो भी हमारे लीनियर ऑपरेटर है, देखो लीनियर ऑपरेटर टी अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, लीनियर ऑपरेटर टी अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा एडजॉइंट ऑफ टी. आया समझ में, जो भी लीनियर ऑपरेटर लिया है उसका एडजॉइंट हम इसको टी स्टैटिक से दिखाएंगे इनटू बीटा. समझ में? तो ये जो आपका जो ये दिख रहा है ना स्टेटमेंट, यही जो है आपका एडजॉइंट का स्टेटमेंट है. ये जो टी है देखो यहां पर ये लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास, ये देखो अल्फा के साथ ऑपरेट है, हाँ यहां पर अल्फा के साथ ऑपरेट है और इनर प्रोडक्ट बीटा हुआ. लेकिन मैं जब इस अल्फा को यहां पर छोड़ दूंगा, देखो इसके इक्वल में इसको लिख सकता हूं अल्फा, और ये टी जो है मैं अगर बीटा के साथ ले लूंगा तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा. आया समझ में? तो वो हमारा एडजॉइंट हो जाएगा फॉर ऑल अल्फा बीटा इन वी. सो होप कि आप लोगों को जो है लीनियर फंक्शनल और एडजॉइंट ये दोनों जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया है. अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और जो है वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.